पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राज्य से जुड़े हर पहलू पर बात हुई। जम्मू कश्मीर से जुड़े नेताओं के गिले शिकवे भी सामने आए और केंद्र की ओर से हीलिंग टच की कोशिश भी हुई। कई मुद्दों पर गतिरोध भले ही न टूटा हो, लेकिन धारा 370 हटाए जाने के बाद हुई इस पहली बैठक को कश्मीरी मामलों के जानकार बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। कश्मीरी विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी का कहना है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक से ही सभी तरह के नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन इस पहल का स्वागत घाटी में सभी ने किया है। राज्य के सभी राजनीतिक दल इसमें शामिल हुए हैं। बातचीत का रास्ता खुला है और अब आगे का रोडमैप तय हो सकेगा। इसमें 2 साल से जमी बर्फ कुछ जरूर पिघली है। उन्होंने कहा कि हाँ, एक कमी जरूर घाटी में महसूस की जा रही है कि हमें जम्मू कश्मीर के भविष्य पर बातचीत के लिए केवल यहाँ के राजनीतिक दलों को नहीं बल्कि देश के सभी प्रमुख दलों और उनके प्रमुख नेताओं को बुलाया जाना चाहिए था। इसमें शरद पवार, ममता बनर्जी सहित सभी वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी होनी चाहिए थी। प्रोफेसर वानी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भविष्य में ये कमी दूर होगी।